हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। देखिए यूपी स्कॉलरशिप को लेकर पहले जो योगी जी ने क्या बोला था उसके बारे में आपको लाइव वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। और देखिए DW के अधिकारी ने क्या बोला स्कॉलरशिप को लेकर वो भी है, और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप अब आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आपको बताने वाले हैं। जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बॉल पर क्लिक कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि मैं टेलीग्राम पर सारी आपको अपडेट दे सकूं। ठीक है, माननीय मंत्री जी से 14 तारीख को संपर्क किए थे और जो विभागीय शासनादेश है उसके अनुसार बचलता के अनुरूप मेरिट के क्रम में उच्च मेरिट वालों को पहले प्राथमिकता करके धनराशि दी जाती है। तो इस साल जो मेरिट गई है 65% के ऊपर के जो बच्चे रहे हैं उनको मेरिट की उपलब्धता के अनुरूप धनराशि दी गई है। उन बच्चों का परसेंटेज 65% से कम था तो उनकी ये मांग थी कि हमें मेरिट नीचे की जाए ताकि हमको भी धनराशि मिल सके। अब वो बजट का ही इशू है, अगर हमारे पास अगर अवशेष बजट रहता है, अतिरिक्त बजट हमको मिलता है तो उसी क्रम में हम और नीचे वाले मेरिट। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालयों में हो, इंजीनियरिंग संस्थानों में हो, पॉलिटेक्निक में हो, ITI, नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य जो भी पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप हर हाल में उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था कर ले, क्योंकि वह एक बच्चे के लिए अभी से उससे बहुत स्पष्ट था ये स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति उन बच्चों के लिए बहुत सहायक होती है उनके अपने अपने। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने सुनी लिया कि फाइनली उन लोगों ने क्या बोला है स्कॉलरशिप को लेकर, है ना, पहले क्या बोला और अब क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर अगली अपडेट निकल रही है, छात्रवृत्ति की समस्या हल हो, आसिम जी ने बोला है। समाज कल्याण अधिकारी जो कि आपको आसिम जी ने कहा है कि जो छात्रवृत्ति से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है और जिससे संबंधित अगर सोशल मीडिया पर आपको दिख रहा है बजट की ज्यादा वो चल रही है, अगर बजट बढ़ता है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। उन्होंने ये बताया है कि जो अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है इसके विभाग बहुत जल्द लेने वाला है। अगली अपडेट देखो, छात्रवृत्ति के लिए जो विद्यालय आवाज उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई फायदा नहीं हो रहा है। आजमगढ़ हो, कई जिलों से अपडेट आई है। अब यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आई है, देख सकते हो आप लोग, टैबलेट और छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर हंगामा, छात्रों ने कर दिया मेरठ से एक खबर निकल के आ रही है, है ना, मेरठ के छात्राओं ने छात्रवृत्ति और यहां पर नहीं टैबलेट नहीं मिलने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया है। भाई करना ही चाहिए, आप मुझे बताओ आप में से कितने छात्रों को टैबलेट मिला है या फिर स्कॉलरशिप मिली है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, देख सकते हो सोमवार को लिया आंदोलन किया गया बच्चों द्वारा, या तो उनकी स्कॉलरशिप दो या फिर टैबलेट दे दो भैया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है, देख सकते हो बच्चों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, लगातार बच्चे ज्ञापन सौंप रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर। आज की डेट में अपडेट आई निकले पेपर में, बजट का अभाव, छात्रों का लटक गया वजीफा, बजट की कमी के कारण छात्रों का वजीफा लटक गया है। वही 1565, है ना, 1565 यहाँ पर देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो आप लोग, ये भी पढ़ सकते हो। यानी कि जो कहने का मतलब ये है, सरकार कह रही है हमारे पास अब बजट ही नहीं बचा, स्कॉलरशिप कहाँ से दे दें आप हमें बताओ। पहले इन लोगों ने बोला था हम स्कॉलरशिप देंगे, हालांकि काफी बच्चों की स्कॉलरशिप आई है, लगभग मान के चल सकते हैं 70% बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। ठीक है, और बाकी के लोग कहाँ जाएंगे भैया, है ना, 70% का किया भुगतान इन्हें बोला भी है, और जो बाकी रह गए हैं अगर बजट मिलता है तो उनको भी भुगतान किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अब देखते हैं यार, बजट के ऊपर डिपेंड करता है आगे क्या होता है, आप लोग खुद जान सकते हो। बता जा रहा है बजट के अभाव में इतने छात्रों की स्कॉलरशिप बोल रह चुकी है, मतलब नहीं आई, इंजीनियरिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, कोई भी हो, आप देख सकते हो समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, बच्चों के नाम दे रखे हैं। कहने का मतलब ये, लगातार बच्चे परेशान हो रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर, और DW अधिकारी क्या कर रहे हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और देखिए बच्चों, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अगर स्कॉलरशिप आना होगी तो आ जाएगी, इंतजार करो आप लोग, कर ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि हमने ट्विटर कैंपेन वगैरह भी चलाया था लेकिन उससे कुछ असर ही नहीं हुआ। तो आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी। देखिए सेकेंड किस्त में बच्चे कमेंट कर रहे थे, देखिए सेकेंड किस्त के तो आप बाद में देखना, पहले जिन बच्चों की अभी तो नहीं आई है उनको ही मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।